यहाँ पर मंच पर मेरे गुरु बैठे हैं श्री रतन मणिलाल, एक बार उनके लिए तालियां बजाइए। और अगर शिष्य मानिए तो निश्चित रूप से सुधीर और विशाल दोनों ही मेरे स्टूडेंट रहे हैं, लाल साहब के भी स्टूडेंट रहे हैं। हम लोगों ने उन लोगों को एक समय में अपनी तरफ से जो कुछ भी हम लोगों का ज्ञान था उस ज्ञान का उनके साथ जो है शेयर किया। और श्रीनिवासन जी बैठे हैं जिनको मैं शिष्य तो नहीं कह सकता, साथी है, लेकिन हाँ इनसे संबंध जो है वो साथी शिष्य गुरु सभी प्रकार के हैं, झगड़े भी होते हैं ऑल ऑन प्रोफेशनल मैटर्स, क्योंकि वो जिस संस्था के कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के हेड हैं और वो हमें से आप सबके में से मोस्टली लोगों के पास एयरटेल या वोडाफोन होता है तो उसको लेकर के इनसे काफी चर्चाएं होती हैं। सो एक प्रोफेशनल ग्रुप बैठा है। और जब अभी मैं सुधीर के बगल में बैठा तो पूछा कि क्या हाल चाल है, तो मैंने कहा बहुत खुशी हो रही है कि जब अपने ही शिष्य के साथ आप किसी मंच पे साझा करें, क्योंकि गर्व होता है, क्योंकि जिसको आपने कभी पढ़ाया आज वो जिस मुकाम पे पहुंचा है उस चीज का गर्व होता है। विशाल जो शायद 2005 या 6 में जबरिया में आए थे मास कम्युनिकेशन का कोर्स करने के लिए, अभी लाल साहब से हम लोग उन दिनों के बारे में बात कर रहे थे, और सुधीर ने तो अवश्य बहुत पहले किया था। तो बातचीत का बस केवल इतना ही था कि हम लोग लगे कहाँ से पढ़ाई या लोगों को पढ़ाना शुरू किया था और टेक्नोलॉजी किस तरह से इवॉल्व हुई है और कितना उसका विस्तार हुआ है। अभी हम लोग कुछ क्षणों में इसी के बारे में बात कर रहे थे। जब विशाल ने मुझसे कहा कि इस फोरम पर मुझको बोलना है एज ए टीचर, क्योंकि मैं सभी चीजों के बारे में जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सभी चीजों के बारे में जानता हूँ, मैं मूल रूप से प्रिंट मीडिया का आदमी हूँ, लेकिन हाँ पढ़ाते पढ़ाते ये सभी चीजें उस पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, ये सब हम लोगों के यहाँ करिकुलम का पार्ट रहे हैं, चाहे जयपुरिया में रहे हों चाहे अब समय वर्तमान में एमिटी में हूँ। तो थोड़ा सा एक चीजों को समझने का मतलब थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। पहले हम फील्ड में थे, हम भी मीडिया में रहे, तब हम पीआर को और एडवर्टाइजिंग को किस नजरिए से देखते थे वो एक नजरिया था। और हम लोगों के टाइम में मतलब आप में से जितने भी लोग बैठे हैं मोस्ट ऑफ यू इन द ऑडियंस शायद उस टाइम का जर्नलिज्म आप लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि उस समय का पीआर केवल पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन तक ही सीमित था, मतलब लाइक एनटीपीसी, बीएचईएल, प्राइवेट सेक्टर में इस तरीके का पीआर नहीं था, वो बड़े शहरों तक सीमित था। लेकिन हम जो लोग उत्तर प्रदेश में थे या और स्टेट्स में थे वो हम लोगों को मौका बस इतना ही मिलता था कि बीएचईएल की तरफ से एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है टू सम ऑफ देयर प्लांट एंड वी एज अ जर्नलिस्ट यूज्ड टू गो देयर एंड वी यूज्ड टू स्पेंड 3-4 डेज, इट यूज्ड टू बी अ गुड प्रोफेशनल ट्रिप। हाँ एक जो पीआर के कुछ मूल मंत्र हैं पहले भी थे वो आज भी हैं कि अगर आपको अच्छा किराया पिलाया जाएगा, आपको अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी जाएगी तो आप खराब को नहीं लिखेंगे, ये उस समय के मूल मंत्र थे। और उसको मैं तो उस समय पीटीआई में था, पीटीआई में तो वैसे भी बहुत ही स्ट्रांग रूल बुक थी कि न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, आपको स्ट्रेट लिखना है उस समय के पीआर में और आज के पीआर में। जैसा अभी शुरुआत में कहा गया पीआर या प्यार, आज का पीआर प्यार ज्यादा, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। अगर आपका अपना मीडिया से रिलेशनशिप अच्छा है तो आपका पीआर अच्छा होगा। दैट वे आई वुड से दैट विशाल और इस कैवल कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन वी हैव सीन ग्रोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ इन लास्ट 10 इयर्स। So a big clap to the Vishal and Kaivalya Communication that we have seen this boy in 2006 and his commitment, and then from 2010 onwards he has grown into strength. He has seen the crisis, he has seen all kind of problems, but this man is a bahut mehnat kari hai
और जितने भी क्लाइंट्स के नाम या कंपनीज का नाम गिनाए जा रहे थे, मुझे याद है बीच बीच में जब भी उनसे बात होती थी वो बताते रहे अब ये नया क्लाइंट बनाए, अब ये नया क्लाइंट बनाए। तो उसने बहुत मेहनत करी है, और अगर पीआर की फील्ड में अपने आप को एस्टैब्लिश करना है तो इससे ज्यादा कोई अच्छी केस स्टडी फॉर अ टीचर हमारे लिए और कोई नहीं हो सकती। हम अपने यहाँ एमिटी यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ प्रोग्राम्स हैं बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मास्टर्स, एंड वी हैव स्पेशलाइज्ड कोर्स मास्टर्स इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। तो हम अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये करिकुलम पूरा इसी पर बेस्ड है, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब उसके कंपोनेंट हैं। और विशाल हमारे लिए एक वो कंपनी है जहाँ स्टूडेंट जाते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, उनको वो एक्सपोजर मिलता है। ये अलग बात है कि जो किताबों में लिखा हुआ है वो फील्ड में नहीं, फील्ड में वही है जो कि हमें बेचना है और जो उसको हमें जिस तरीके से काम करना है। थोड़ा फर्क है, लेकिन बच्चों को बेसिक ट्रेनिंग इन ऑर्गेनाइजेशंस में मिलती है। जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके के बच्चे उनको चाहिए हैं, उससे हम लोगों को भी सीख मिलती है, फीडबैक मिलता है, और हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हम जिन बच्चों को भेजें क्या उनके अंदर वो गुण है कि नहीं। इवन फॉर द रेडियो इंडस्ट्री, रेडियो इंडस्ट्री में भी अब केवल आपका काम एंकरिंग भर का नहीं रह गया है, वहां पर आप क्लाइंट सर्विसिंग में भी हैं। तो बच्चों को एक सुविधाएं मिलती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इस पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे कोई एस्टैब्लिश्ड पब्लिक रिलेशन कंपनी अदर देन कैवल्या नहीं दिखाई पड़ती। इट्स अनफॉर्चुनेट पार्ट। एडवर्टाइजिंग में तो कोई फील्ड ऐसी है ही नहीं, यहाँ पर कोई ऐसी कंपनी है ही नहीं जिसे मैं एस्टैब्लिश्ड कहूँ। है जो कंपनी, लेकिन दे आर मोर इनटू द क्लासिफाइड और द गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग। जो कंपनी बाहर हैं, मतलब मैं आपके दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता में, उस तरीके की कंपनी का एक्सपोजर हमारे बच्चों को नहीं मिलता है, एंड दैट्स अ बिग माइनस पॉइंट फॉर अस। माइनस पॉइंट बिकॉज हमारे पास जो स्टूडेंट एक प्रोग्राम में 20 बच्चे आते हैं, अगर उनको वो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है लखनऊ में स्पेशली इंटर्नशिप, और अगर हर बार उनको दिल्ली बम्बई जाना है, तो उनको ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्यों नहीं हम ऐसा कोर्स दिल्ली बम्बई में करें, लखनऊ में करने की क्या जरूरत है। इस प्रकार की समस्याएं हैं एक एकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच में, एंड आई विश दैट वी हैव सम गुड पीआर कंपनीज अदर देन कैवल्या, सम गुड एडवर्टाइजिंग कंपनी, जो कि हमारे स्टूडेंट्स को मौका मिले इंटर्नशिप में या ट्रेनिंग में या हमें इंडस्ट्री फीडबैक में। सो ऑल द बेस्ट टू विशाल एंड हिज कंपनी, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये और भी चार चांद लगाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू।